इस वीडियो में हम आज के न्यूज़पेपर से ली गई इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ क्या कुछ फिलहाल करंट में चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो एडमिशन को लेके है, जो LLB के एडमिशन है उनकी ओपन मेरिट कल ऑफ़र लेटर निकलेंगे उनके कल और परसों, और उन ऑफ़र लेटर पे उससे अगले दिन जो है मेरिट लगेगी कॉलेज में, जिनके नाम आएंगे वो जाके फिर 20 तारीख तक एडमिशन लेंगे। हमने सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे लिख दी। सबसे पहले UG के एडमिशन की बताएं तो भाई एडमिशन ख़त्म हो गए हैं, अब आपके पास सिर्फ एक मौका है, अंतिम मौका जो बचा है वो है सबसे पहले अगर आपके पास देखो निकला हुआ अगर आपके पास ऑफ़र लेटर रखा है और आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो प्राइवेट में जाके एक बार ट्राई कर सकते हो, शायद हो सकता है कि वो एडमिशन ले लें आपका। दूसरी चीज़, आपको फिर अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा प्राइवेट का, प्राइवेट आप करोगे और फॉर्म भर जाएंगे जनवरी फरवरी 2022 में। PG सेकेंड ओपन मेरिट की अपडेट अगर हम दें तो आपको CCS यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेजों में PG में दो बार रजिस्ट्रेशन हुए थे, उनके बाद ओपन मेरिट के एडमिशन 13 और 15 तक होंगे, 13 चली गई 15 कल और एडमिशन होंगे, इसके बाद PG में दाखिले बंद हो जाएंगे ऐसा अमर उजाला ने कहा है। LLB BA LLB और BCom LLB फर्स्ट ओपन मेरिट इनकी लगने वाली है, पहली ओपन मेरिट विश्वविद्यालय सोमवार को जारी करेगा 15 और 16 नवंबर को, छात्र छात्राएं ऊपर दी गई लिंक से ऑफर लेटर डाउनलोड करके कॉलेजों में जमा कर दें। कॉलेज मेरिट बनाकर 17 से मतलब 15 और 16 को तो ऑफर लेटर जमा करोगे कॉलेज में, अब उनमें मान के चलो कॉलेज में जितने भी ऑफर लेटर जमा होंगे उनके हिसाब से जिनके ज़्यादा नंबर होंगे, क्योंकि जो प्रीवियसली सेलेक्टेड करके कुछ आ रहा है ना आपका, जो पहले मान के चलो किसी ने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया था सरकारी के साथ तो वो तो ले लेगा आपको, और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हो, आपने सोचा कि भाई पहले मैं लास्ट तक ट्राई कर लूं, तो वहां पे आता है अगर सेकंड मेरिट लगी तो प्रीवियसली सेलेक्टेड मतलब पिछली बार आप सेलेक्ट हो गए थे, तो उसका एक ही मौका होता है कि भाई आप मेरिट में तो एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप लोगे ओपन मेरिट में एडमिशन, तो ओपन मेरिट का इंतज़ार करने के लिए बोल रखा था आपको, तो ओपन मेरिट अब लग रही है ऐसे बच्चों के लिए ही, ठीक है ना, या फिर किसी वजह से कोई चूक गया है तो उनके लिए 15 और 16 मतलब कल और परसों एडमिट कार्ड निकलेंगे, सभी बच्चों के लिए नहीं निकलेंगे, किसी के कितने भी नंबर हो तो जाके वो कॉलेज में जमा कर सकता है अभी, ठीक है। 17 से 20 नवंबर तक अब उनके एडमिशन होंगे, आप सीट की अवेलेबिलिटी इस लिंक से चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है फिलहाल, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके अलावा CCS यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस डाला है थोड़ी देर पहले, उसमें उन्होंने लिखा है कि MSc एग्रीकल्चर का सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस क्लास का पेपर जिसका कोड नंबर ये है, ये पेपर का नाम है, ये पेपर 15 को मतलब होना था 15 नवंबर को, जो कि अब हट गया है 15 नवंबर को ना हो कि ये होगा 23 नवंबर को, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज में रहेंगे इसलिए हमने ये बता दिया आपको, तो जो जिसका 15 तारीख को पेपर है वो देने ना जाए, ये अब 23 नवंबर को पेपर होगा। इसके अलावा छोटी सी और अपडेट, जो UPSI के बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, कन्फ्यूज़न में है अभी, कन्फ्यूज़न है उनको, तो उनका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने वेबसाइट पर 3 लिंक डाल रखी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है और हमारी वेबसाइट पर भी हमने डाल रखी है, तो अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो तसल्ली के लिए काम करना, आप 3 लिस्ट हैं इन तीनों में अपना रोल नंबर जो अपना रेफरेंस नंबर जो है SICUP करके वो चेक करना, इसमें एक हर किसी बच्चे के दिए हुए हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने तारीख का आपका पेपर है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल की हमने बार बार बताई रही है कि भाई ये 2018 वाले थे जिनके पेपर चल रहे थे, जो 2021 में भरे गए थे उनके बाद में चलेंगे। SSC GD का यहाँ पे हम थोड़ी सी आपको अपडेट दें, जो NR रीजन है, NR मतलब दिल्ली और राजस्थान वाले सेंटर जिन्होंने डाल रखे थे, ऐसा हो सकता है उनके साथ 1%, अभी तो उन्होंने वेबसाइट चेंज कर दी SSC ने एडमिट कार्ड निकलने की, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत आए, मान के चलो ऐसा हर बार से होता आ रहा है कि भाई मान के चलो 10 तारीख का आपका पेपर है और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलेगा तो 7 तारीख को निकल जाना चाहिए, लेकिन 7 हो जाती है, 8 हो जाती है, 9 हो जाती है, स्टेटस ही दिखाता है मतलब लिंक नहीं आती डाउनलोड की, तो हम उसे हर बार हर साल वेबसाइट पर डालते हैं, इस बार भी हमने डाल दिया, अगर स्टेटस से आपका नहीं हो रहा है, स्टेटस की लिंक अलग होती है एडमिट कार्ड की अलग, तो इससे आप ट्राई कर सकते हो उसे, ठीक है, ये चीज़ है। और जो पेपर होना है, किस तरीके का पेपर आना है, वो इस लिंक से आप ट्राई कर सकते हो कि कैसा पेपर है, कितनी आपकी तैयारी है। अभी इसमें जो है 3 फॉर्म चले थे अभी, मतलब 3 फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं, ये हमने वेबसाइट पर अपडेट कर दिए थे रात, तो एक तो हरियाणा FCI का है वॉचमैन का,
ग्रुप डी मतलब एमपी का हाई कोर्ट ग्रुप डी का है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है, ठीक है। ये आठवीं पास से है, ये दसवीं पास, आठवीं पास से, ये भी आठवीं पास से है और दसवीं पास हो तो लाइट मोटर व्हीकल चाहिएगा, मतलब लर्निंग से जो अलग होता है, लर्निंग के बाद जो बनता है वो चाहिएगा ग्रुप डी वाले में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। इनमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ चेक कर लेना। ये चीज़ हो गई एक। इसके अलावा जो लैपटॉप वितरण वाली योजना है उसमें पहले बताया गया था 11 वाले नोटिस में कि भूपेंद्र जैन जी और नीलू जैन गुप्ता जी, इनके अंडर में सारा देख रेख में काम होगा कि किस तरीके से क्या डेटा कॉलेज वाले भेज रहे हैं। जिम्मेदारी कॉलेज की है कि कॉलेज में बच्चों, जितने बच्चों का एडमिशन है उनका डेटा भेजना है, तो ये चेक करेंगे कि सब डेटा सही से आया है या नहीं। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह और नीलू जैन गुप्ता थे जो नोडल अधिकारी थे, लेकिन भूपेंद्र जैन गुप्ता हट गए वहाँ से, मतलब नीलू जैन गुप्ता तो वहीं रही लेकिन भूपेंद्र जैन की जगह राहुल कुमार आ गए। और यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह छात्र कल्याण अधिष्ठाता चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को नोडल अधिकारी नामित किया गया था। माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित शिक्षकों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। फिलहाल जो है नोडल अधिकारी नीलू जैन गुप्ता और डॉक्टर राहुल कुमार जी हैं, ठीक है ना। तो ये है। अब एक जो हमारे ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट आया, ये वाला, अभी हमने आपको बताया था, देखो हमने आपको बताया था कि भाई जो गूगल लिंक होते हैं, जो फॉर्म, जो जीएलई, इस तरीके से गूगल लिंक जो होते हैं, गूगल फॉर्म को देखो, उसमें पढ़ो क्या लिख रखा है। सभी किसान पीजी कॉलेज छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि टैबलेट व स्मार्टफोन के लिए निम्न लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म को 14/11/2021 तक भरना सुनिश्चित करें। अगर आपको कोई कॉलेज पर्सनली बोलता है कि भाई इस गूगल फॉर्म लिंक को भरना है, तो आप भर के उसे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं से भी आपको पता चल रहा है कि इसको भरना है या व्हाट्सएप वगैरह पे आती है ये डिटेल, तो उसको मत भरना, क्योंकि फर्जी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो गूगल लिंक होती है ना, ये फॉर्म जो बनता है, ये आप खुद फ़ोन से 15 मिनट में बना लोगे यूट्यूब वीडियो पे देख के, तो इनका फर्जी काम बहुत ज़्यादा होता है, फर्जी इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी किसी को कुछ भी भेज बना के भेज देगा कि लो भाई जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, ऊपर आएगा लिखा कि आपका स्मार्टफोन टैबलेट योगी योजना, मोदी जी योजना, इस तरीके से, तो आप खुद भी बना सकते हो, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। तो इस चीज़ को तब भरें अगर कॉलेज वाला आपको पर्सनली बोलता है या किसी बच्चे को बोलता है और आपको उस बच्चे पर ट्रस्ट है कि हाँ ये भर रहा है, ये कह रहा है, तो कॉलेज वालों ने बोला होगा। बिना किसी चीज़ के गूगल फॉर्म को कभी भी ना भरें, नहीं तो फर्जी हो सकता है। फिर आप कहोगे कि हमारे अकाउंट से पैसे उड़ गए फालतू के, या फिर हमारे पास फर्जी कॉल आ रही है, या फिर हमारे पास फालतू के मैसेज आ रहे हैं कि इतने रुपए क्रेडिट हो गए अकाउंट में, और इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब एक फेक मैसेज जिसे बोल सकते हैं। तो ये अपडेट है, अभी तक की यही अपडेट है। बाकी जितनी अपडेट मिलती रहेगी आपको सूचित करते रहेंगे। कल एडमिशन कराने चले जाना, मतलब ऑफर लेटर निकलवा के जो LLB वाले हैं, और बाकी टाइम टू टाइम अपडेट आपको देते रहेंगे जितनी भी आएगी। और डेली जो न्यूज़पेपर अपडेट होती है, इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इसमें मिसलेनियस सारा कॉन्टेंट होता है जो दिन भर में हम कुछ देखते हैं, कॉमेंट वगैरह जो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे या ऑफिशियल अकाउंट्स पे अपने, वो सारा इसी वीडियो में हम लेने की कोशिश करते हैं सारे कुछ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही भाई, कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, अगर आप उसे ज्वाइन करोगे तो जितनी अपडेट होती है छोटी मोटी अपडेट, सारी की सारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और एक रिक्वेस्ट और है छोटी सी आपसे, जो इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसका वेबसाइट की लिंक है, मतलब onlineforminfo.com। तो जितनी अपडेट चलती हैं सारी की सारी, मान के चलो फिलहाल हमने वीडियो बना दी, वीडियो के 5 मिनट बाद ही कोई ज़रूरी नोटिस आ गया, हम वीडियो तो बना देंगे अगर ज़रूरी नोटिस आया, लेकिन आप मान लो ना देख पाए, तो वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहा करो, क्योंकि वेबसाइट को चेक करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगने के, ठीक है ना। तो बस यही अपडेट थी भाई, और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके जो आपके कमेंट होंगे उनको जवाब देने की। कल फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।